हाय गाइस, इस वीडियो में हम लोग इंक्लूड और रिक्वायर फंक्शन या फिर स्टेटमेंट भी कहते हैं इसको, तो इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले इंक्लूड को जानते हैं। डायरेक्ट मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, कोई भी थ्योरी नहीं है इसमें। एक नया फाइल मुझे सबसे पहले बनाना पड़ेगा बिकॉज मैंने यहाँ से कुछ डिलीट कर दिया हुआ है। तो एक न्यू फाइल बनाते हैं जो कि index.php का होगा। index.php मैंने बना लिया। उसके बाद इसमें PHP का बेसिक लिख देते हैं, हमारा जो है अपना ओपनिंग और क्लोजिंग। इंक्लूड के बारे में हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं। इंक्लूड फंक्शन भी इसको कहते हैं और कुछ लोग इसको स्टेटमेंट भी कहते हैं बिकॉज ये विदाउट पैरेंथेसिस भी काम करता है। सो ये क्या करता है, ये आपको मदद करेगा मल्टीपल PHP फाइल्स को हैंडल करने में प्रॉपर तरीके से। कैसे, अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। मैं एक सिंपल सा यहाँ कोड लिख रहा हूँ HTML का, ठीक है। HTML का कोड लिख कर ही मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। एक सिंपल सा कोड है हमारा, मान लीजिए कि H1, इसमें मैंने लिखा हेडर और एक और H1 बनाते हैं, एक H2 बनाते हैं, ठीक है। H1 बनाया, H2 बनाते हैं, मेन कंटेंट। उसके बाद एक और नीचे हम लोग लिखते हैं H3 में फुटर, और इसको सेव करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या देखने को मिलता है यहाँ स्क्रीन पर। रिफ्रेश किया मैंने, यहाँ आपको हेडर वाले से यानी कि H1 का हेडर, H2 का मेन कंटेंट और H3 का फुटर देखने को मिलता है। इसको आप इस तरीके से एज्यूम कीजिए कि ये हेडर का एक पूरा कोड होगा। हेडर में आप जितना कोड लिखते हैं, जैसे कि लोगो होगा आपका, आपका नेविगेशन बार भी हो सकता है, तो वो सारे कोड इसमें है, इसके अंदर है। ये जो पूरा हेड सेक्शन है इसके अंदर है। मेन कंटेंट के अंदर आपका जो मेन पार्ट ऑफ साइट होता है वो है, यानी कि मिडिल पोर्शन में, और फुटर में जो नीचे रहता है कॉपीराइट वाला वो आपने लिखा हुआ है, और आप एक PHP का साइट बना रहे हैं। इंक्लूड क्या करता है, आपको बेहतर तरीके से PHP के फाइल्स को ऑर्गेनाइज करने की एबिलिटी देता है। आप उन सभी पेज को एक साथ एक जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि वो पेजेस अलग अलग जगह पर होती हैं अपनी अपनी। जैसे कि मैं एक और पेज यहाँ बना रहा हूँ, एक न्यू फाइल मैंने क्रिएट किया है। एक न्यू फाइल हमारा ये होगा header.php और एक हमारा फाइल होगा footer.php। ओके, अभी सिंपली हमें ये करना है कि इंडेक्स का जो हेडर है, इस हेडर वाले पोर्शन को यहाँ से हटाकर हम लोग इस ये जो हमारा header.php है वहाँ लिख देते हैं, और हमारा जो ये फुटर वाला है कट करते हैं और हमारा फुटर इसको आगे कर लेते हैं। फुटर यहाँ देखिए, इंडेक्स में हमारा जो मेन कंटेंट होना चाहिए वो कंटेंट है। अभी अगर मैं इसको हटा दूँ यहाँ से तो कोई फ़र्क इससे नहीं पड़ेगा। तो हमारा जो मेन कंटेंट है वो मेन कंटेंट है, हेडर में हमारा हेडर और हेडर सेक्शन का जितना कोड है सब है, और फुटर सेक्शन में जितना फुटर में कोड होना चाहिए वो सारा कुछ यहाँ लिखा हुआ। मल्टीपल PHP फाइल्स हैं, लेकिन हमारा मेन होम पेज तो ये है। अभी अगर इस होम पेज को आप ओपन करते हैं, Ctrl+S कर लेते हैं जिससे कि हमारा सारा फाइल सेव हो जाए, और इसमें अगर आप रिफ्रेश करेंगे तो आपको सिर्फ मेन कंटेंट दिखाई देगा, जबकि ये सही नहीं है। आपका होम पेज दिखेगा तो आपको हेडर भी दिखना चाहिए, आपका नेव बार वगैरह और फुटर भी दिखना चाहिए, यानी कि आपके इस मेन पेज में, मेन होम पेज में हेडर का पोर्शन भी दिखना चाहिए और फुटर का पोर्शन भी दिखना चाहिए, लेकिन आपने इसको अलग अलग पेज में रखा हुआ है। अब चाहते हैं आप कि इसी पेज में दिखे, तो सिंपली आपको करना ये है कि आप इंक्लूड का इस्तेमाल कीजिए और इस तरीके से पैरेंथेसिस और कोट्स दीजिए। कोट्स देने के बाद आप उस फाइल का नाम लिख दीजिए जिसको आप इंक्लूड करना चाहते थे। इन दिस केस मैंने header.php लिख दिया, और ये जो पूरा कोड है ये चूंकि एक PHP का कोड है, इसीलिए आपको PHP के ओपनिंग और PHP के क्लोजिंग टैग के अंदर में इसको आपको लिखना है कुछ इस तरीके से। यहाँ सेमी कॉलन दे देना है। इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद अगर अभी आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो आपको हेडर का पार्ट भी यहाँ देखने को मिल जाएगा, जबकि यहाँ हम लोगों ने उस कोड को नहीं लिखा, सिर्फ उस फाइल को यहाँ इंक्लूड कर दिया है, और इस फाइल के अंदर जो भी कोड है, अगर कोई अलग कोड हो, एक और कोड अगर हम लोग देते हैं, जैसे कि मैं यहाँ एक p लिख देता हूँ header2, इसको सेव कर दें,
और इसको वापस से आकर आप देखिए मैंने चेंज किया हेडर डॉट पी एच पी में, लेकिन यहाँ कुछ भी चेंज नहीं, यहाँ सिर्फ मैंने इंक्लूड कर दिया हुआ, यहाँ कुछ भी चेंज नहीं है, सॉरी कुछ भी चेंज नहीं है। अगर इसको रिफ्रेश करें तो इसका इफेक्ट आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा। देखिए हेडर और हेडर टू, अभी जो हम लोगों ने हेडर फाइल में चेंज किया उसका इफेक्ट आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। उसी तरीके से अगर फुटर भी चाहिए तो आपको इस पेज को यहाँ इंक्लूड करना पड़ेगा। तो चलिए इसको इंक्लूड करते हैं, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और फुटर चूँकि कंटेंट के एरिया के नीचे होना चाहिए तो नीचे लिख देते हैं, और इसको चेंज करके हम लोग फुटर कर देते हैं, यानी कि फुटर फाइल को नीचे इंक्लूड करना है, सबसे नीचे। अब इसको अगर आप रिफ्रेश करते हैं तो आपको फुटर यहाँ नीचे कंटेंट एरिया के नीचे आपको देखने को मिल जाता है। देखिए इससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि अगर आपका एक और पेज है अबाउट अस, या फिर जो भी आप कॉन्टेक्ट अस या फिर अबाउट अस, अबाउट पीएचपी लिख देता हूँ मैं, अगर आपको ये इस देखिए एक जो साइट होता है प्रॉपर साइट, उसमें कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं। ये मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाऊंगा, मे बी नेक्स्ट वीडियो में, फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में मे बी। ओके सो एक अगर प्रैक्टिकल साइट आप देखें, अगर एज्यूम कर सकते हैं अपने दिमाग में तो कीजिए, कि एक साइट होता है जिसमें कि कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं हर पेज में। आप होम पेज में ओपन करते हैं तो वहाँ भी साइट का लोगो होता है, साइट का हेडर पार्ट होता है, नेविगेशन बार होता है। अगर आप उसी साइट के कॉन्टेक्ट अस पेज में जाते हैं तो वही लोगो, वही नेविगेशन बार, वही हेडर सेक्शन, फुटर सेक्शन आपको देखने को मिलता है। तो हर पेज में कुछ ना कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं, तो जो वो कॉमन चीज़ें हैं वो बार बार यहाँ लिखने के बजाय आप उसको क्या करते हैं, उसको एक सेपरेट फाइल में लिख देते हैं, और सिंपली अगर आपको यहाँ चाहिए तो आप उसको इंक्लूड कर लीजिए पीएचपी के इस टैग के दरमियान, यानी कि यहाँ इंक्लूड, और जो भी जिसको भी आपको ऐड करना है, हेडर को ऐड करना है तो हेडर डॉट पीएचपी मैंने लिख दिया तो हेडर यहाँ आ गया। फिर इसका अपना जो कंटेंट होगा अबाउट अस का, अपना जो कंटेंट होगा जो कि कॉमन नहीं है, जैसे कि H4 और इसमें मुझे लिखना है अबाउट अस, तो ये मैंने लिख दिया जो कि कॉमन नहीं था। अभी हम लोग अबाउट अस को ओपन करेंगे तो सिर्फ आपको हेडर दिखाई देगा, बिकॉज आपने हेडर इंक्लूड किया है, और अबाउट अस का अपना कंटेंट आपको देखने को मिलेगा, और फुटर आपने इंक्लूड नहीं किया तो फुटर इस पेज में आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये होता है इंक्लूड का काम। लेकिन इंक्लूड क्या करता है, इंक्लूड फाइल्स को, एक्सटर्नल फाइल्स को इंक्लूड करने का काम करता है, और ये मल्टीपल पीएचपी फाइल्स को हैंडल करता है, आपको बेहतर ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम प्रोवाइड करता है। देखिए यहाँ डेफिनेशन आ रहा है, द इंक्लूड स्टेटमेंट इंक्लूड्स एंड इवेल्युएट द स्पेसिफाइड फाइल। सो फिलहाल तो मैं आपको index.php ही रन करके मैंने आपको दिखाया है, आप चाहें तो यहाँ से अबाउट अस को भी रन कर सकते हैं, आई गेस इस तरीके से about.php। इसको रिफ्रेश करें तो आप देखेंगे हेडर आपको दिखाई दे रहा है हेडर वाले पार्ट से, और अबाउट अस उसमें फुटर आपको दिखाई नहीं दे रहा। ओके सो फिलहाल के मैं इस अबाउट अस को डिलीट कर देता हूँ, कर दूँ क्या, अच्छा रहने देते हैं, अभी हमारा चल रहा है तो चलने देते हैं। ओके सो इंक्लूड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि इंक्लूड किस तरीके से, और देखिए एक चीज़ याद रखिएगा कि हेडर जिसको जहाँ आप लिखते हैं वो वहाँ जाकर इंक्लूड होता है, यानी कि अगर हेडर को आप इसके नीचे लिख देंगे तो ये नीचे शो होना शुरू हो जाएगा, यानी कि फुटर के नीचे हेडर आएगा। देखिए यहाँ रिफ्रेश करते हैं, इसको हटा देते हैं, होम पेज में आते हैं, देखिए मेन कॉन्टेंट ऊपर आ गया बिकॉज ये ऊपर में था, देन फुटर, उसके बाद हेडर। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि किस चीज़ को कहाँ इंक्लूड करना है। ओके उसके बाद इसको ऊपर कर देते हैं और रिक्वायर के बारे में जानते हैं, रिक्वायर्ड सेव किया मैंने, सेव करने के बाद इसको मैं एक बार और रिफ्रेश करना चाहूँगा, यहाँ से रिफ्रेश करते हैं तो आप देखिए देखते हैं कि हेडर, ये हेडर टू में हटा देता हूँ, हेडर फाइल से, हेडर फाइल हमारा यहाँ है, इसको मैं हटा देता हूँ, सेव कर देते हैं इसको, और वापस से अगर रिफ्रेश करेंगे तो हेडर टू आपको नहीं मिलेगा, हेडर टू हमारा गायब हो गया, मेन कंटेंट है नीचे से। आपने इंक्लूड लिखा तो जैसा आपने लिखा हुआ वैसा आ रहा है हमारा, बहुत अच्छी बात है। अगर इन केस अगर ये फाइल हमारे पास नहीं है, हमने कुछ कोई ऐसा पेज ओपन कर लिया जो कि कोई ऐसा पेज हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं जो पेज एग्जिस्ट नहीं करता है आपके सिस्टम में, सर्वर में, जैसे कि इस केस में मैंने HEDEE ये फाइल इंक्लूड किया जबकि ये फाइल हमारा कहीं भी बना हुआ नहीं है, यहाँ आप देख पाएंगे कहीं भी लोकेशन में, तो इस केस में क्या होता है चलिए देखते हैं। रिफ्रेश आप करेंगे तो ये आपको वार्निंग शो करेगा कि इंक्लूड दिस फाइल फेल्ड टू ओपन स्ट्रीम, नो सच ए फाइल और डायरेक्टरी, ऐसा कोई भी फाइल और डायरेक्टरी नहीं है, वही यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन इसमें से एक चीज़ नोटिस करने वाली ये बात ये है कि हेडर फाइल नहीं था तो हेडर फाइल का कंटेंट आपका शो नहीं कर रहा है,
ये फाइल नहीं है तो इसका कंटेंट शो नहीं करेगा, सिंपल सी बात है। लेकिन रेस्ट ऑफ दी जो लाइन है, रेस्ट ऑफ दी जो कोड है, वो कोड तो एग्जीक्यूट हो रहा है, उस कोड का आउटपुट तो आपको मिल रहा है। ये होता है जस्ट बिकॉज आपने यहाँ इंक्लूड लिखा हुआ है। इंक्लूड का मतलब ये होता है कि जो आपने इसमें लिखा हुआ है, सिर्फ ये इसी पर ध्यान देता है। अगर ये नहीं है तो इसको ये बोलेगा कि भैया ये नहीं मिल रहा है, इसको हटाओ, लेकिन नीचे के कोड को एग्जीक्यूट करो। लेकिन इसी इंक्लूड की जगह पर अगर आप रिक्वायर लिख देते हैं, रिक्वायर अगर आप लिखते हैं और इसको सेव करते हैं, तो ये फाइल अभी मौजूद है, तो आपका ये पूरा जो कोड है वो सही तरीके से एग्जीक्यूट करेगा। हेडर, मेन कंटेंट और फुटर आप यहाँ देख पाएंगे। लेकिन रिक्वायर लिखने के बाद अगर ये फाइल मौजूद नहीं रहता है, इसको सेव किया मैंने और सेव करने के बाद इसको अगर हम रिफ्रेश करते हैं, तो रिक्वायर्ड लिखा है मैंने, याद रखिएगा रिक्वायर्ड लिखा हुआ है मैंने। तो रिक्वायर्ड आप लिखते हैं और ये फाइल मौजूद नहीं रहता है, तो ये आपको वार्निंग मैसेज शो करता है, फैटल एरर देता है। इसके साथ ही साथ रेस्ट ऑफ द कोड जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होते हैं, यानी कि ये फाइल रिक्वायर है नीचे के कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए। ये यहाँ कहा जाता है जब आप रिक्वायर का इस्तेमाल करते हैं तब। इंक्लूड में ऐसा नहीं होता है, इंक्लूड में सिर्फ उस फाइल को देखेगा कि वो है या नहीं है, अगर नहीं है तो वो उसको हटा देगा, ये एरर मैसेज दे देगा आपको और नीचे के कोड को एग्जीक्यूट कर देगा। लेकिन रिक्वायर्ड में ये होता है कि अगर वो फाइल नहीं है, यानी कि वो फाइल रिक्वायर्ड था बाकी के कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए, इस पेज को रन करने के लिए, लेकिन वो नहीं मौजूद है, इसी वजह से बाकी का कोड भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, कब हम लोग रिक्वायर का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक ऐसा पेज हो जो कि डेटाबेस का पेज हो, यानी कि डेटाबेस कनेक्शन बनाने का पेज हो, और आपका साइट उस डेटाबेस पर डिपेंड करता हो, यानी कि ऐसा डेटा फेच करवाते हैं आप, तो ज़रूरी है कि पहले कनेक्शन बने। तो आप रिक्वायर कर देते हैं उस डेटाबेस कनेक्शन वाले पीएचपी फाइल को कि पहले ये रिक्वायर है कि ये पेज आपका ओपन होना चाहिए, सही तरीके से रन करना चाहिए, सही तरीके से रन हो या ना हो, लेकिन ये पेज अवेलेबल होना चाहिए, तभी आगे का डेटा रिट्रीव और अपडेट हो पाएगा, बिकॉज आपका जो फाइल है वो डेटाबेस को कनेक्ट करता है और ये रिक्वायर में हम लोग लिख देते हैं। ओके, सो बस गाइस, इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि इंक्लूड और रिक्वायर क्या होता है। इसका मैं आपको एक बेहतर एग्जांपल भी बताऊंगा, लेकिन मे बी नेक्स्ट वीडियो में नहीं, उसके नेक्स्ट वीडियो में, बिकॉज इसका एक और कॉन्सेप्ट हमें अभी देखना बाकी है जो कि इंक्लूड वंस और रिक्वायर वंस है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।